नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बर्गर बनाना सिखाएंगे। बर्गर सभी को पसंद आता है, इसको आप लंच में बनाकर खा सकते हैं या बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो चलिए बर्गर बनाना शुरू करते हैं। बर्गर बनाने के लिए हमें सामग्री इस प्रकार चाहिए: दो बर्गर बन, दो उबले आलू मैश किए हुए, एक प्याज बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, दो हरी मिर्ची बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, कॉर्नफ्लोर, नमक, जीरा पाउडर, चार स्लाइस खीरा, चार स्लाइस टमाटर, चार स्लाइस प्याज, मेयोनीज, चिली सॉस, टमाटो सॉस, काला नमक। तो चलिए बर्गर बनाना शुरू करते हैं। अब हम टिक्की बनाने के लिए उबले हुए आलू में सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे, हरी मिर्ची, आधा चम्मच जीरा पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम आलू में एक चम्मच कॉर्नफ्लोर और डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाकर टिक्की बनाएंगे। हमें दो बर्गर बनाना है, इसलिए हम दो टिक्की बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से दूसरा टिक्की भी बना लेंगे। हमारी दो टिक्की बन गई है, अब हम इसको सेक लेंगे। टिक्की को सेकने के लिए हमने तवा गर्म कर लिया है और तवा पर थोड़ा सा तेल डाला है। अब हम उसी में टिक्की ऐसे रखेंगे और एक साइड से पकने देंगे। हमारी टिक्की एक साइड से पक चुकी है, अब हम इसको पलट देंगे और दूसरे साइड भी पका लेंगे। हमारी दोनों टिक्कियां बहुत अच्छी तरह से सिक चुकी हैं। अब हम इन टिक्कियों को प्लेट पर उतार लेते हैं। ये हमारे साइड से बहुत ही अच्छी सिकी है, बिल्कुल क्रिस्पी सी। अब हम बर्गर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बन को दो भाग में काट लेंगे इस तरह से। दोनों बन को इसी तरह काटेंगे। इसको अलग नहीं करेंगे, ऐसे लगा रहेगा थोड़ा। अब हम सबसे पहले बन पर बटर लगाएंगे दोनों टुकड़ों पर। अब बन के ऊपर हमने बटर लगा लिया है, अब हम इसको सेक लेंगे। हमारा बन सिक चुका है, अब हम इसको उतार लेते हैं और इस पर बाकी सामग्री ऐड करते हैं। अब हम सबसे पहले बन पर थोड़ा सा काला नमक लगाएंगे, हमने चारों टुकड़ों पर लगाया है। अब हम इन दोनों टुकड़ों पर टमाटो सॉस लगाएंगे। अब हम इस पर चिली सॉस लगाएंगे। अब हम इस टुकड़े पर मेयोनीज लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर आलू टिक्की रखेंगे, ये जो हमने बनाया था। ये टमाटर का स्लाइस, ये एक टुकड़ा प्याज का। अब इसके ऊपर ये खीरा। अब एक बार फिर से थोड़ा सा काला नमक और इसके बाद लास्ट में ये बन उठाकर इसके ऊपर लगा देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से बर्गर बनकर तैयार है।
आप बर्गर को इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। इसको पहले फॉइल पेपर में इस तरह से रैप करेंगे और अब इसको इस साइड से चाकू से बीचों बीच कट लगाएंगे। और बिल्कुल अलग नहीं करेंगे, ऐसे जुड़ा रहेगा। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और ये हमारा जो टोमेटो सॉस है थोड़ा सा इसके ऊपर और लगाएंगे, थोड़ा सा चिली सॉस, लास्ट में ये थोड़ा सा मेयोनीज। आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने दो तरीकों से बर्गर बनाया है, आप लोग भी इसी तरह से बर्गर बनाइए। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। घर में बहुत ही आसान तरीके से बर्गर बनाकर खाइए।